गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में मोरवी में केबल ब्रिज गिरने की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मैं यहां एकता नगर में हूं, लेकिन मेरा मन मोरवी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। आपको बता दें कि सरकार कल शाम से ही राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। केंद्र सरकार से गुजरात सरकार को हर संभव मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ और सेना घटनास्थल पर तैनात है। अस्पताल में घायलों का लगातार इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मोरवी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, राहत बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पीएम ने कहा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस हमें इस दुख की घड़ी में एकजुट होकर अपने कर्तव्य पथ पर रहने की संवेदना दे रहा है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है।